Dear students, welcome to Sethi Botany classes. This is the first video of medicinal plant. In this video, we'll study about five medicinal plants which we can grow easily at home and we can also maintain them. This is the basil plant. This is lemongrass, ajwain, aloe vera, and giloy plant. First, we'll discuss about giloy. Its botanical name is Tenospora cardifolia. This is called as cardifolia because its leaves, they are heart-shaped. This plant is, because it is weak stem and it's woody in nature, so this is woody climber plant. And plant remain green, so this is called as herbaceous plant. This belongs to family Manispermaceae. This plant has numeral beneficial medicinal properties. So this is also called as Amrit plant because this will make you immortal. It's believed it has so many properties. And if we make this plant a part of our diet, so we can become immortal. This is rich in oxidants. This will make you healthy. And this also removes toxins from the blood. And this helps in fighting many diseases. This also prevents from many fevers, chronic fever, dengue fever, hay fever, and this also helps in improving the digestion and also regulates your blood sugar level. This plant has anti-inflammatory properties. This reduces respiratory problems as well as arthritis problems. Jo bhi aap joints mein pain hai ya kuch hai, usko bhi ye treat karne mein help karta hai. It reduces signs of aging. स्किन पे कोई डार्क स्पॉट्स हैं, पिंपल्स हैं या कुछ लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, सो दिस प्लांट कैन ट्रीट दोस स्किन प्रॉब्लम्स आल्सो एंड वेरी गुड फॉर आईज. दिस कैन इम्प्रूव्स योर विजन. सो दिस प्लांट इज वेरी गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट, इम्प्रूव्स द मेटाबॉलिज्म. और इसका अगर हमने कोई पार्ट खाना है तो हम इसके लीव्स को च्यू कर सकते हैं या हम इसकी स्टेम के पार्ट को लेके उसका डिकॉक्शन तैयार करके पी सकते हैं. डिकॉक्शन का मतलब है कि हमने स्टेम के पीसेस लिए, उसको पानी में बॉईल किया, जैसे पानी रिड्यूस हो जाएगा उसको हम छान करके एज सच कंज्यूम कर सकते हैं. या अगर आप कोई वेजिटेबल जूस पी रहे हैं तो आप उसमें स्टेम के पीसेस डाल के ग्राइंड करके वेजिटेबल जूस में इसको ले सकते हैं. किसी भी आप फूड आइटम में इसको डाल के यूज कर सकते हैं. के जो लीव्स और स्टेम हम यूज कर सकते हैं, लीव्स में सबसे ज्यादा लीव्स और स्टेम में इसमें ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है. स्टेम सबसे ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं, प्लस इट इज आल्सो रिच इन एल्कलॉइड्स. सो दिस प्लांट इज वेरी बेनिफिशियल. कोई भी बुखार हो जाता है या एलर्जीज हो जाती है, सो इसका आप डिकॉक्शन तैयार करके पेशेंट को दे सकते हैं या रूटीन में आप अपना इसको फूड का एक पार्ट बना सकते हैं. और इसको ग्रो करना बहुत आसान है. आप इसको जमीन में लगाइए और ये काफी सालों तक ऐसे ही ग्रो करता रहेगा. कोई भी इसकी अगर टानी सूख जाती है या कोई पार्ट सूख जाता है, फिर से ये हरा हो जाता है. सो दिस विल नॉट डाई, दिस विल रिमेन एज सच हैविंग मेनी बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज. सेकेंड प्लांट इज अजवाइन. इट्स बोटैनिकल नेम इज ट्रैकीस्पर्मम एमी. अगर हम इसके लीव्स देखें तो थोड़े फ्लैशी और पल्पी टाइप होते हैं, रफ होते हैं. आप देख सकते हैं हेयर्स भी आपको दिख रहे हैं स्टेम के ऊपर. एंड आप इसके लीव्स को डायरेक्टली अपनी फूड का पार्ट बना सकते हैं. कि आपने कोई चपाती खानी है, परांठा खाना है, उसको आप एज सच लीव्स को यूज कर सकते हैं. आप लीव्स की चटनी बना सकते हैं, पकौड़ों में यूज कर सकते हैं, भाजी में यूज कर सकते हैं, या फिर अगेन वी कैन प्रिपेयर इट्स डिकॉक्शन. डिकॉक्शन इज सेम कि हम इसके पत्तों को लेके पानी में बॉयल करेंगे. आप उसमें तुलसी डाल सकते हैं या आप उसको छान करके जब पानी रिड्यूस हो जाता है तो उसमें नींबू डाल के पी सकते हैं या लेमन डाल के पी सकते हैं. इसके लीव्स जो हैं दे आर वेरी बेनिफिशियल. लेकिन अजवाइन के हम सीड्स भी यूज करते हैं, कैरम सीड्स, जो हमारी किचन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पाइस है. सो व्हाट आर इट्स बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. दिस इज एन एनुअल हर्ब बिकॉज दिस इज ग्रीन प्लांट, हर्बेशियस प्लांट एंड वेरी इजी टू ग्रो. इसकी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है. आप एक इसकी टानी को निकाल के दूसरे गमले में लगा देंगे तो वो ग्रो कर जाएगा. सो वेरी इजी टू प्रोपेगेट एंड मेंटेन एट होम. इसमें कुछ एरोमेटिक पंजेंट होता है, कुछ जैसे इसमें काफी खुशबूदार
इसका है तो इसको हम एरोमेटिक बोलते हैं. दिस बिलोंग्स टू फैमिली एपिएसी. इट्स लीव्स आर फ्लैशी ग्रीन हेयरी एंड फुल ऑफ एसेंशियल ऑयल थाइमोल एंड कार्बाकोरोल एंड बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं इसमें. अगेन इसके लीव्स और सीड्स को हम यूज कर सकते हैं. अजवाइन लीव्स को हम इसके डिकॉक्शन को हम कोल्ड और कफ के लिए भी यूज करते हैं. अगर आपका गला खराब हो गया है या खांसी है उसका डिकॉक्शन आप ले सकते हैं. अजवाइन के लीव्स एज वेल एज सीड्स वेरी गुड फॉर डाइजेशन. दे विल इम्प्रूव योर मेटाबॉलिज्म एज वेल एज दे विल ऑल्सो हेल्प इन रिजॉल्विंग मैनी स्टमक प्रॉब्लम्स. तो अगर हम डेली अजवाइन के लीव्स को अपनी फूड का पार्ट बनाते हैं तो जो ब्लोटिंग या फ्लैटुलेंस होती है दैट विल बी कंट्रोल्ड. और अगर आपके स्टमक में एक हो रहा है या कोई आपको गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हैं तब भी हम इसके लीव्स एज वेल एज सीड्स को यूज कर सकते हैं. इसके जो सीड्स हैं उसमें बहुत सारी एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं. ये जो प्लांट है हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है. और अगर हम इसको ऐसे च्यू कर लें सो दिस विल ऑल्सो एक्ट एज अ नेचुरल माउथ फ्रेशनर. आपको कोई भी बाजार से माउथ फ्रेशनर खरीदने की जरूरत नहीं है. एक पत्ता लीजिए उसको च्यू करिए एंड योर माउथ विल फ्रेशन अप. अब जब वो एज ए फ्रेशनर एक्ट कर रहा है तो आपके जो ओरल हेल्थ है जैसे आपके दांत हैं या आपके मसूड़े हैं उनको भी ये हेल्दी रखता है. दिस विल हेल्प इन फाइटिंग मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया एंड दिस विल प्रिवेंट फ्रॉम मैनी डिजीजेस. सो अजवाइन इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर हेल्थ एंड दिस इज वेरी इजी टू ग्रो एट होम. The third plant is aloe vera. This has beneficial properties. Aloe vera का जूस भी बनता है. अब ये जो प्लांट है अगर आप देखोगे ये जो इसके लीव्स हैं फ्लैशी नेचर के हैं एंड इफ यू कैटेगराइज बोटैनिकली सो दिस इज कैटेगराइज एज सकुलेंट ज़ेरोफाइट बिकॉज दिस कैन स्टोर वाटर इन साइड इट्स लीव्स. इसमें बड़े बड़े म्यूसिलेज सेल्स होते हैं जिनके अंदर पानी स्टोर हो जाता है. So this can retain water during the dry condition. और आप margin पे spines देख सकते हैं. They will help in reducing the transpiration rate in the plant. So aloe vera is also very easy to grow at home. और इसको हमने use जब करना है हम इसका gel निकाल के जो इसके leaves के अंदर mucilage है उसको निकाल के हम इसको use कर सकते हैं. If you have grown at home तो fresh लेके भी इसका gel जो है वो use कर सकते हैं. So this is very important for digestion. एंड आप जैसे बाजार से माउथ वॉशेस यू कैन प्रिपेयर योर ओन माउथ वॉश एट होम. आपने इसका जेल निकाला पानी में आप उसको डिकॉक्शन सा बना के अपने ओरल हेल्थ के लिए इसको यूज कर सकते हैं. तो जो भी आपके दांतों में प्लेक है या कोई गम्स का प्रॉब्लम है या ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है दैट विल बी क्योर्ड. एंड इट्स जूस ऑल्सो रेगुलेट्स योर ब्लड शुगर लेवल. वेरी गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट. इम्प्रूव्स योर डाइजेशन and very good for skin problems. इसका जेल आप directly skin के ऊपर लगा सकते हैं या आप थोड़ी देर इसके जेल को freezer में या fridge में store करके रख सकते हैं. So this will act as a natural moisturizer and wounds के ऊपर भी हम इसको apply कर सकते हैं. तो वो हमें wounds की healing में help करता है, pain relief करने में help करता है. It is rich in oxidants, so this will help in detoxification and this improves your health of the liver also. So this is very good for liver. Juice is also rich in many nutrients. Now, this its use can be used to treat constipation, and this will make your gut healthy, as well as intestinal flora will remain healthy with the help of aloe vera juice. Aloe vera is also rich in antioxidants and vitamins. This will also protect your skin from ultraviolet radiation. This will also delay the aging process. अगर आपके चेहरे पे कोई fine lines या wrinkles हैं तो अगर आप इसका जेल रेगुलरली यूज करेंगे स्किन के ऊपर तो आपकी स्किन को ये ब्लैमिशेस स्पॉट्स रिंकल्स से प्रिवेंट करता है. इट्स जूस इज रिच इन मेनी विटामिंस लाइक बी सी एंड ई. दिस इज आल्सो रिच इन फॉलिक एसिड. सो दिस इज एलोवेरा जूस इज आल्सो यूज्ड इन मेनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स. मार्केट में बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जो एलोवेरा रिच लिखा होता है उसके ऊपर. दिस क्रीम इज रिच इन एलोवेरा. So this lotion is rich in aloe vera because aloe vera can retain more moisture. So this will keep on hydrating the skin. And if we apply it on our hair, so this is a very great hair conditioner. Agar aapke
जैसे बाल्स में या हेयर में आपके कोई डेंड्रफ है या इचिंग है स्कैल्प के ऊपर, तो ये उसको ट्रीट करने में भी हेल्प करता है. नेक्स्ट प्लांट इज बेसिल. इट्स बोटैनिकल नेम इज ऑसिमम बेसिलिकम. दिस बिलोंग्स टू फैमिली लेमिएसी. मिंट फैमिली को ये बिलोंग करता है. अगेन दिस प्लांट इज हर्बेशियस प्लांट. बेसिल प्लांट इज जैसे हम तुलसी की बात करते हैं तो तुलसी जैसा है, लेकिन ये अलग प्लांट है, बेसिल है. इटालियन जो है या इटली के लोग जो हैं अपने इटालियन कुजीन में इसको बहुत यूज करते हैं. जैसे वो इसकी पेस्टो सॉसेस बनाते हैं, पिज्जा में बहुत यूज करते हैं, पास्ता में यूज होता है इसका, या आप इसको अपने सैलड्स में यूज कर सकते हैं. लेकिन अब इंडिया में भी अगर आप पास्ता खाते हो तो उसमें यूज कर सकते हो, पिज्जा में यूज कर सकते हो. इसके अलावा अब जो भी सूप बना रहे हो वी कैन ऐड द बेसिल लीव्स. एंड अगेन हम इसको अपनी डाइट का पार्ट बना सकते हैं. हम इसको कोई भी अपनी चपाती या परांठा में भी ऐड कर सकते हैं. दिस इज रिच इन वाइटामिन मिनरल्स एंड ऑल्सो रिच इन एंटी ऑक्सीडेंट्स लाइक ल्यूटीन, जियाजेंथिन, बीटा कैरोटीन, बीटा क्रिप्टोजेंथिन एंड इट्स essential oils also have many medicinal properties. It has many beneficial effects like it has cancer fighting properties. This improves the heart health. This is anti-inflammatory. This will regulate normal liver functions. This reduces the stress level, reduces memory loss, reduces stress level, also controls your aging process. Improves blood pressure, improves dental health. और जो बेसिल है इसको भी ग्रो करना बहुत आसान है. आप उसके सीड्स को लेके सोइंग करके उससे आप बेसिल जो ग्रो कर सकते हैं. और बेसिल को हम अगेन वी कैन ऑल्सो टेक इट एज डिकॉक्शन, या हम अपने जूसेस में, वेज जूसेस में डाल सकते हैं, या जैसे मैंने बोला है कि आप अपने इसके डाइट का कहीं पर भी आप सैलड में डाल दीजिए या ऐसा चप च्यू कर लीजिए. तो बेसिल को हम इसलिए ग्रो कर सकते हैं और इसको अपनी डाइट का पार्ट बना सकते हैं. नाउ नेक्स्ट प्लांट इज लेमन ग्रास काइम्बो पोगोन एंड दिस बिलोंग्स टू फैमिली पोएसी. दिस इज अ ग्रास एक्चुअली ग्रास कैन लिव फॉर मेनी ईयर्स इफ इट्स लीव्स एज मेडिसिनल वैल्यू. सो इट ऑल्सो हैज ऑयल विच हैज मेडिसिनल वैल्यू. बेसिकली हम ये लेमन ग्रास है, हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, हम इसकी लेमन टी बना सकते हैं. हाउ वी कैन मेक लेमन टी, हमने इसके लीव्स को निकाला, उसके पीसेस किए, पानी में डाला, उसको बॉयल किया. बॉयल करने के बाद उसका डिकॉक्शन तैयार करते हैं. उसमें आप पेपरकॉर्न या आप अपने कुछ और तुलसी डालना है कुछ भी डाल सकते हैं, जिंजर डालना है वो डाल सकते हैं. उसको स्ट्रेन करके आप उसमें लेमन स्क्यूज करके, अगर आपको शुगर डालनी है ठीक है, नहीं डालनी आप ऐसे उसको पी सकते हैं. We can also add lemon in the soups also. क्योंकि इसमें थोड़ा सा जैसे citrus का flavor होता है, वैसा flavor है. It has lemony aroma and citrus flavor. And this decoction of lemon grass tea is rich in antioxidants. So this will help in detoxification. And this will purify your blood. This promotes sleep, relieve pain, boosts your immunity level and relieves anxiety. This reduces the stress level also. It helps in boosting red blood cell formation and promotes the heart health, good for health. It's rich in potassium, which increases the production of urine in our body, diuretic, which in turn stimulates blood circulation and helps in purifying the liver. So very good for liver, diuretic, and this improves your health problems. Then again, you can make it decoction. You can use it as mouthwash, good for oral health, maintain your healthy teeth, digestion improve karta hai ye. Koi bloating ho rahi hai ya gas ban rahi hai usko control karega. It will lower the cholesterol level, boost the metabolism, patla hone mein help karega. This will burn fat. Lemon grass has vitamin A and vitamin C, which are good for skin. It has antifungal and antibacterial properties that helps in the treatment of cold and flu. And this also helps in relieving pain during the menstruation cycle. Thank you for watching the video. If you like my video, please like, share, and subscribe.